कार्य में भारी संख्या में लोग रहेंगे मौजूद। कल से शुरू होगी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। 19 दिसंबर को बागेश्वर से अनुराग ठाकुर करेंगे रवाना। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर कर्मचारी नाराज, दूसरे दिन भी जारी है हड़ताल। देहरादून, बाजपुर समेत कई जगह प्रदर्शन जारी। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊं में होने वाली रैली की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। ये रैली पहले 24 दिसंबर को हल्द्वानी में होनी थी, लेकिन अब ये रैली दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बताते चले कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की रैली को भव्य बनाना चाह रही है, जिसके लिए तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की और समूचा जनमानस, युवा, महिला, किसान और जितना भी हमारा जनमानस है, एक बहुत उम्मीद और आशा के साथ डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए और उससे जो हमारा 2022 का हमारा चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ी सफलता देने के लिए माननीय मोदी जी को, उनके विचारों को जानने के लिए, सुनने के लिए आने वाले। प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल धामी सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों को नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। बताते चले कि सरकार ने आंदोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले सरकार राज्य के आंदोलन के दौरान हुए घायल आंदोलनकारियों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दिया करती थी, जिसे सरकार ने बढ़ाते हुए अब 6,000 रुपए प्रति महीने कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 18 दिसंबर को खटीमा के दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही वो एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय का भव्य उद्घाटन भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर एकलव्य विद्यालय के भव्य उद्घाटन की तैयारियां खटीमा में जोरों शोरों से चल रही हैं। खटीमा के तराई बीच निगम मैदान में होने जा रहे उद्घाटन की तैयारियों को का मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी और विधायक नानकमत्ता डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने खुद जाकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा टीम भी मौजूद रहे। उस उद्घाटन कार्यक्रम में भारी संख्या में थारू जनजाति समाज के लोगों के जुटने की भी संभावनाएं हैं, जिसको लेकर खटीमा विधानसभा के तीनों बीजेपी मंडल के पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव गांव में जाकर मेहनत की जा रही है। सम्मेलन है और इस सम्मेलन में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन है। इसमें जनजाति समाज में बहुत खुशी की लहर है और काफ़ी बड़ी संख्या में एक अच्छा ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है और हमने लगातार बैठक के माध्यम से लोगों को सूचना दी है। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य होगा। और वहीं अल्मोड़ा में आज आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। बताते चले कि आजीविका महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी ने रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही साथ साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,919 लाख और 41,000 की योजनाओं और उनका लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से उद्यमियों और समूहों को बड़ा फायदा होगा। सीएम धामी ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रथम चरण में अल्मोड़ा के हवालबाग और पौड़ी के कोट द्वार में ये सेंटर खोले गए हैं। जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार करते हैं, उनके उत्पादों को बाजार देने और अन्य जानकारियों के लिए आगे प्रत्येक जिले में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर खोले जाएंगे। देखिए, इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं,
उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। इसके उद्देश्य से दो सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने DRDO गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने जिला के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनका हौसला भी बढ़ाया। पिथौरागढ़ पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस दूरस्थ क्षेत्र में सड़कों के साथ ही कनेक्टिविटी भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना उनकी एक दिली तमन्ना है। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के उन सभी लोगों की भी जमकर तारीफ की जो सेना के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ आकर सबसे अच्छा क्या लगता है कि एक जो पिथौरागढ़ का एक अलग सोच विचार, एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर है, वो अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग मिठास है, अलग एक सिंप्लिसिटी है, एक ऑनेस्टी है। और भी बहुत चैलेंजेस हैं कि किस प्रकार से सड़कें, कनेक्टिविटी, केबल जो वेज होते हैं यहाँ पर किस प्रकार ला सके। दिल में तो एक बहुत बड़ी तमन्ना है कि किस प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन किया जाए, क्योंकि इस इलाका के अंदर में जो एक लगन सी है, अलग सी एक क्वालिटी है, वो बाकी से अलग है। क्योंकि ये बनबसा में बैठकर मैंने चंपावत और पिथौरागढ़ को बहुत करीब से देखा था। उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरीके से जुट गई है, और साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस के नेताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे मुद्दे किसान, सैनिक, नौजवान, महिलाएं और कमजोर तबके के लोगों का सम्मान करना और इनके कल्याण ही हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। सैनिक, किसान, नौजवान, महिला और कमजोर तबके, दलित और अल्पसंख्यक, इनका सम्मान और इनका कल्याण, इनकी आर्थिक उन्नति हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और उसमें नौजवानों को रोजगार को एक रोजगार मूलक उत्तराखंड के निर्माण को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। और वही देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राहुल गांधी की रैली में विशाल जनसभा देखने को मिली, जहां पर राहुल गांधी की रैली में सहसपुर सीट से दावेदार और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष यानी आयेंद्र शर्मा का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। बताते चले कि कोषाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा एक घोड़ी पर सवार होकर परेड ग्राउंड पहुंचे। यूं तो जनसभा में प्रदेश भर से लोग आए हुए थे, लेकिन सभी की नजर आयेंद्र शर्मा पर टिकी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि उनके इस अंदाज को खासा पसंद भी किया गया। खबर उत्तराखंड में रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार COVID-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को COVID-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदाय सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। स्वागत है ब्रेक के बाद, रुक करेंगे बुलेटिन में आखिर की खबरों का। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं पर खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का जो काम किया था उसका लाभ भी प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सिर्फ घोषणा वीर बनकर रह गए, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। जब तक नहीं होता उसे पता है जंगल में भालू घूम रहा है, बाघ घूम रहे हैं, उसके बीच में जाकर के काम करती है, क्या उसको 1,000 रुपए नहीं देने चाहिए ताकि वो थोड़ा सा एक उसके अंदर एक इम्पोर्टेंस आए, एक वैल्यू आए और वो कुछ अपनी इच्छा से कोई चीज कर सके। रोजगार, हमने क्या बोला है कि रोजगार 5,000 रुपए महीना हम देंगे, उससे पहले क्या बोला है 6 महीने के अंदर 1,00,000 लोगों के लिए वैकेंसी क्रिएट करेंगे, जब तक नहीं होता तब तक देंगे, जिस दिन हो गया उस दिन रोजगार भत्ता बंद हो जाएगा उसका। लेकिन रोजगार भत्ता क्यों नहीं देना चाहिए? मैं तो अच्छे परिवार से, मतलब मेरे पिताजी अच्छी उसमें थे, मेरी तो अच्छी परवरिश हुई है, पर जो वो उत्तरकाशी से लड़का यहाँ पे आता है ना, बड़ी मुश्किल से बेचारा यहाँ कमरा ढूंढता है, कमरा ढूंढ के 4 लोग एक कमरे में रहते हैं, उसके बाद में बारी बारी से खाने की नौबत आती है, तो वो स्कूल की तरफ क्या देगा? वो तो अपना घर अपना वो नहीं बना पा रहा बेस। उस 5,000 रुपये में अगर वो अपना बेस अच्छा बना लेता है, अगर अच्छी कोचिंग ले लेता है, तो क्यों नहीं उसको रोजगार मिलेगा।
और वहीं विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बैठक का आयोजन किया, जहां ये बताया गया कि कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष तौर पर ध्यान दें। जनसभाओं के लिए सभा स्थल के लिए जो समय से आवेदन करें और प्रत्याशी नामांकन से पहले अपना बैंक खाता खोलें, जिसकी प्रति निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ ये भी साफ किया गया कि निर्वाचन हेतु किए जाने वाला खर्च भी इसी खाते से किया जाए। प्रत्याशी 10,000 रुपए से ऊपर का भुगतान चेक, ड्राफ्ट या फिर कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। कोई भी प्रत्याशी या कार्यकर्ता 50,000 से ज्यादा कैश लेकर नहीं घूम सकता। 50,000 से ज्यादा कैश होने पर उसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा, अन्यथा कैश सील भी कर दिया जाएगा। किसी भी निर्वाचन संबंधित रैली, जुलूस आदि की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा प्रचार में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की अनुमति लेना भी आवश्यक है। अगर वाहन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अनुमति वापस ली जा सकती है। क्योंकि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर हमने आज जो जनपद में विभिन्न राजनीतिक दल हैं और प्रिंटिंग हाउसेस हैं और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके साथ बैठक की है कि किस तरह से हम लोग इस निर्वाचन में काम करेंगे और किस तरह के जिम्मेदारियां विभिन्न पक्षों की होगी। निर्वाचन से पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, जैसे विभिन्न जगहों पर रेट लिस्ट फाइनल करनी है और जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे तो उनके कैंडिडेट्स के अकाउंट्स इस बार पहली बार खोले जा रहे हैं और वो सारा व्यय उन्हीं अकाउंट्स के माध्यम से करेंगे। इंडिविजुअल कैश एक्सपेंडिचर की भी सीमा है, कोई भी आइटम 10,000 से अधिक का चेक के माध्यम से उसका भुगतान होना है। और दूसरी ओर बाजपुर के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की खुली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और उनका जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। इसके अलावा बताते चलें कि बाजपुर के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख सरिता देवी की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDM राकेश चंद्र तिवारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सरिता देवी ने कहा कि बैठक में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये ब्लॉक बाजपुर की BDC की बैठक चल रही है इस समय, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी गण उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय सम्मानित जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और ग्राम प्रधानगण भी उपस्थित हैं। तो विभागवार जो गत BDC की जो बैठक में कार्रवाई हुई थी उसके संबंध में BDO साहब ने उसका प्रेजेंटेशन किया। तत्पश्चात तो प्रत्येक विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट की योजनाएं बता रहे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके यहाँ जो समस्या हो रही है उसके संबंध में वो विभाग से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक एक करके उसका निस्तारण किया जाए। आज ये क्षेत्र पंचायत की बोर्ड की बैठक है जिसमें सभी ग्राम प्रधान हैं, BDC मेंबर हैं, सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सभी विभागों से जानकारियाँ लेते हुए इनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा और इनकी सभी समस्याओं को सुनेंगे, ये यहाँ आज की बैठक। और वहीं सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज दूसरे दिन भी सभी सरकारी बैंकों की हड़ताल देखने को मिली, जहां बैंक कर्मचारियों ने बैंकों को बंद कर सरकारी बैंकों का निजीकरण ना करने की मांग की। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में लंबे समय से बैंक कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि ये जो सरकारी बैंक है इसका निजीकरण ना किया जाए, ये निजी हाथों में ना दिया जाए। आप देखिएगा जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है सब प्रॉफिट में है और सरकार का जो नीति है प्रॉफिट
वो पब्लिक को दे देंगे और घाटा जो है वो सरकार के पास रखेंगे। जितने भी घाटाकृत संस्था है वो सरकार बैंकों को दे दे रहे हैं और उसका मर्ज सरकारी बैंकों के साथ हो रहा है ताकि घाटा पब्लिक को मिले और जो फायदा है जिसका जो सरकारी बैंक फायदे में है उसका वो निजीकरण कर रहे हैं और निजी हाथों में दे रहे हैं। और वहीं थराली नगर पंचायत क्षेत्र में थराली देवाल मोटर मार्ग के किनारे बनी नालियां अब स्थानीय व्यापारियों और साथ ही राहगीरों के लिए भी जी का जंजाल बनती जा रही हैं। दरअसल लोक निर्माण विभाग की इस सड़क पर विभाग ने नालियां तो बनाई हैं, लेकिन लगता है कि बनाने के बाद विभाग इन नालियों की सुध लेना ही भूल गया हो। इन क्षतिग्रस्त नालियों में जल भराव और भरा कूड़ा बीमारियों को दावत दे रहा है, लेकिन ना तो नगर पंचायत इन नालों को साफ करने की तरफ कोई ध्यान दे रहा है और ना ही लोक निर्माण विभाग इन बंद पड़ी नालियों की निकासी खुलवाने की जहमत उठा पा रही है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को और साथ ही राहगीरों में रोष है। थराली मस्जिद मार्केट भैरव मार्केट के बगल में रहते हैं और यहाँ पे हम दुकान भी हमारी और उसके बाद यह कि ये जो नगर पंचायत की नाली है या उसका वो बाथरूम वगैरह है वो सारा पानी भरा हुआ है और हम इसलिए परेशान हैं कि ये पानी सब सीलन करके यहाँ पर आ रहा है। पिछली 15-20 दिनों से ये काफ़ी, इससे पहले तो काफ़ी पानी था यहाँ पे, किसी गाड़ी वाले से ये नल टूट गया था सामने और हमने नगर पंचायत ऑफिस में सूचित भी किया था भाई यहाँ पर नल टूट गया है, इसे तुरंत ज्वाइंट किया जाए, तुरंत जोड़ दिया जाए, क्योंकि पूरी रोड में कीचड़ कीचड़ हो गया था। ये पूरी समस्या थी सबके लिए, जो राहगीर जा रहे थे उनके लिए भी, हमें तो ज्यादा थी क्योंकि हमें परमानेंट यहाँ पर रहना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी केदारनाथ धाम में कपाट बंद हो जाने के बाद भी तपस्वी महात्मा आज भी यहाँ पर विराजमान रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि केदारनाथ धाम में ये सभी महात्मा सालों से यही रहते हैं। कपाट बंद होने पर भी ये धाम से नीचे नहीं आते हैं। इनमें से केदारनाथ धाम में कई सालों से गरुड़ चट्टी और केदारनाथ की कई अन्य गुफाओं में कई संत महात्मा सालों से भगवान शंकर की तपस्या में लीन हैं। वर्तमान में 4 से 5 साधु महात्मा धाम में हैं। बाबा बर्फानी के नाम से विख्यात ललित रामदास महाराज आपदा के बाद से ही धाम में विराजमान हैं। बर्फ हो या फिर बरसात, सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। साथ ही साथ धाम में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें माइनस तापमान में भी मजदूर काम करते हैं। और उधर प्रेम नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले हिटलर गैंग के 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सभी आरोपी सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसएसपी देहरादून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि आरोपियों ने प्रेम नगर इलाके से एक व्यक्ति का एटीएम बदलकर 1,00,000 रुपए ठगे थे। आरोपियों को हिमाचल से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 28 एटीएम कार्ड, ज्वेलरी और गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। दरअसल आरोपियों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी और साथ ही एसएसपी देहरादून ने यह भी बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जो दिख रहा है कि इनके द्वारा ये धोखाधड़ी, ये तो पूरा घूमते रहते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए, प्रेम नगर थाने में एक पंजीकृत किया था हमने मुकदमा, जिसमें था कि एटीएम, जो व्यक्ति था उसका एटीएम बदलकर एटीएम से पैसे निकाले गए थे, एटीएम से निकासी हुई थी जो कि लगभग 1,00,000 रुपए की निकासी हुई थी। उस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके टीमें बनाई गई और हमने फिर लगातार इनको ट्रेस किया तो हम इनको गिरफ्तार 16 तारीख को यानी कल इनको गिरफ्तार किया है हमारे द्वारा, तो बद्दी हिमाचल प्रदेश से इनको गिरफ्तार किया है। इनसे एक ब्रेजा कार हमें बरामद हुई है जिसमें कि इनका मूवमेंट होता था। इसके अलावा इनसे एटीएम कार्ड भी हमको बरामद हुए हैं जो काफी संख्या में हैं। और चलिए फिलहाल इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का, 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के